तो सिटी से हम लोग घर आ गए हैं और फाइनली हमें एक तोहफा भी मिल गया हुआ है। ये चेक करें, हमारे घर में आ गए हैं भाई रैबिट। हमारे पेट हाउस के अंदर एक और चीज़ का इजाफा हो गया है रैबिट्स का, तो हमारे घर रैबिट्स आ गए हुए हैं। धूप निकल आई है जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने सूरज चमक रहा है। कल तक तो काफ़ी बादल थे, आज धूप निकल आई। कल तो बारिश हो रही थी, तो अभी धूप निकली है। तो मैं जाता हूँ अपने पेरेंट्स के पास, तो उनको भी जाके उनके आगे से शोपर हटा देता हूँ ताकि इनको भी धूप लगे और ये थोड़ा फ्रेश फील करें। तो ये मैंने अपने पेरेंट्स के ऊपर शोपर हटा दिया। आज मैं वैसे भी अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है घर में, तो मुझे सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है। तो अब ये फ्रेश फील करेंगे, इनको थोड़ी धूप लगेगी, अपनी फ्लाई वगैरह भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम, आप देख रहे हैं वसीम व्लॉग। तो आज हम लोग सिटी जाएंगे और अपने जो भी नए हम लोगों ने पैरट्स लेने हैं या जो भी हम लोगों ने बर्ड्स लेने हैं, हम लोग वो लेके आएंगे और उनके लिए आज जो केज बनाने हैं उनका भी सारा सामान लेके आएंगे, ताकि हम लोग पहले उनके केज बना लें और बाद में उनके केज के अंदर उनको उनके पेयर्स को छोड़। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज सारे कपड़े धो दिए हैं क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई है। अगर धूप ना निकलती तो हम लोग कपड़े कैसे धोते हैं। कल भी हम लोगों ने कपड़े धोने थे, लेकिन कल भी धूप तो बिल्कुल थोड़ी सी थी जिससे कपड़े नहीं धो पाए। तो आज कपड़े भी धो दिए हैं, आज सारे काम करने हैं जो भी ऊपर छत के ऊपर हम लोगों ने केज वगैरह बनाने हैं। और मुझे तो अपनी कैरी की भी फिक्र हो रही है क्योंकि मैंने आज इसके अंदर रैबिट्स ला के छोड़ देने हैं। जैसे ही रैबिट्स आएंगे तो इसका हाल भी हाल कर देंगे। मैं आपको पहले इसलिए शूट करके दिखा रहा हूँ कि आप देख लें इसकी हाल कैसे है जब मेरे रैबिट्स आएंगे और मैं इनके अंदर अपने रैबिट छोड़ूंगा, तो देखिएगा इसके बाद में क्या हशर होता है। तो आज अम्मी मुझे गालियाँ भी काफ़ी देंगी क्योंकि मैंने रैबिट्स लेके आने हैं। तो रैबिट्स आके जब मेरी वो कैरी का ये हाल करेंगे, गंदा हाल कर देंगे, इसका एकदम बचा देंगे, तो फिर पता नहीं अम्मी मुझे क्या कहती हैं। मुझे तो डर है कि मुझे घर से ना निकाल दें। तो आप लोग दुआ करिएगा, रैबिट्स भी लाजमी लेके आने हैं क्योंकि रैबिट्स आएंगे तो मेरा सेटअप जो है ना वो ज़्यादा बड़ा होगा। अभी तो मेरे पास सिर्फ पैरेंट्स लगे हैं, रैबिट्स भी लेके आने हैं, मैंने हैंस भी लेके आनी है, मैंने टर्की भी लेके आने हैं, मैंने पिजन भी लेके आने हैं और अच्छी क्वालिटी के लेके आने हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिएगा ताकि आपको जो भी मैं अपने बर्ड्स लेके आता हूँ, जो भी चीज़ें लेके आता हूँ वो पसंद आए और आप लोग भी उनसे इन्जॉय करें। आए हुए हैं जी भट्टे के ऊपर, तो इधर से हम लोग जो अपने ऊपर परिंदों के लिए केज बनवाने हैं, तो उसके लिए हम लोग इंटो का पता करते हैं कि क्या हिसाब का चल रहा है। और जो हमें बोला है मिस्त्री ने कि भाई इतनी आप लोगों की इंटें लग जाएंगी, तो उस हिसाब से हम लोग इनसे पता करते हैं कि भाई वो हमें कितने में मिलेंगी, फिर अपना थोड़ा सा एस्टीमेट लगाएंगे और फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे मंडी के अंदर और जो बाकी हमारे केज के लिए ज़रूरी सामान है वो हम लोग बाय करेंगे उधर से, और फिर हम लोग इंशाल्लाह आज अपना ये कंप्लीट सामान करके कल से अपने केज का वो सारा काम स्टार्ट करवाते हैं। तो फिर देख ली इटा वाली चलो। तो जी हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए अभी। ये हैं जी इंटे जो हम लोग। हाँ अली भैया केड़ियाँ हैं जमा ते सही है, ले लिया वाली खोर तो नहीं जाएगी जल्दी? नहीं 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 खोलना यार, ठीक हो गया। चलो फिर डन कराइए वाले, हजार टन है तो वादू है, फिर तो हजार ही ले रही है। हजार की करनी है यार, बाद चो तो बनानी है यार, खर्च करना है। चलो ठीक है फिर हजार रेट कर देने हैं, या फिर अली अपा ये फिलहाल अपना सोच ला ले, मैं कहना कि 700 ले लेने फिलहाल। 700 ले ला, चलो फिलहाल 700 ले लेने, 700 ले लेने। चलो जी हम लोग ये इंटे ले रहे हैं इधर से, और ये है जी भट्टा सामने, वो देखें ऊपर से धुआं निकल रहा है। तो हम लोग इंटे लेके चलते हैं, इसके बाद हम लोगों ने मंडी भी जाना है, तो मिलते हैं आप लोगों से मंडी के अंदर। अभी हम लोग अंकल से इधर से करते हैं उनसे डील, तो इस इंटों का हम लोगों ने डन किया, तो ये वाले इंटे हम लोग ले रहे हैं। तो जी इंटे आ गई हैं घर में, अभी गली में उतारेंगे। तो ये भाई साहब हैं जो इंटे ले के आए हैं। अली भाई दसो इन्हों कितने लानी है। तो जी इंटे आ गई हैं, अब हम लोग जा रहे हैं सिटी बाकी दूसरा सामान लेने के लिए। इंटे भाई को उतार के खुद ही चला जाएगा वापसी, क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इंटे भी उतरवाए अगर बाद में, फिर दोबारा थोड़ी देर बाद जाए शायद। तो अभी हम लोग सिटी अभी निकल रहे हैं। अब हम लोग आ गए हैं अपने केजेस के लिए छत लेने के लिए, क्योंकि हमें जो भी एस्टीमेट दिया गया था ना मिस्त्री की तरफ से, हमने वो सारा सामान पूरा करना है। तो ये हम लोग ले रहे हैं छत के लिए, ये वाला सामान ले रहे हैं। ये होती है चिक होती है जो दरवाज़ों के आगे हम लोग लगाते होते हैं, काफ़ी हैवी होती है और मतलब केजिस के ऊपर है ना मोस्टली यही चलती है। इसके अलावा एक सिंपल वाली होती है हल्की सी, जो हम लोग आम घरों में छते बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग ये वाली ले रहे हैं कि ताकि हमारे जो केजिस हैं उनकी मजबूती में भी कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। तो दरवाजे भी हम लोगों ने पीछे से ले लिए हुए हैं, वो उधर रश काफ़ी ज़्यादा था तो इस वजह से हम लोग उसकी वीडियो नहीं बना सके। जब वापसी में दरवाजे उधर से उठाएँगे केजिस के,
तो हम लोग आपको उसका भी बताएंगे सारा हिसाब किताब कि वो कितने में हमें बने हैं और क्या उसका साइज़ है दरवाजे का, हम लोग क्या साइज़ रख रहे हैं। तो इससे ये होगा कि अगर आप लोगों में से भी किसी ने कोई केज वगैरह बनाना है या अपना छोटा सा पेट हाउस का करना है सेटअप, तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो हमारे घर फाइनली आ गए हैं रैबिट्स, हमारे पेट हाउस में एक और चीज़ का इजाफा हो गया है रैबिट्स का। तो ये देख लें, काफ़ी दिन हो गए थे हम लोग खपी जा रहे थे, हमें रैबिट्स नहीं मिल रहे थे। ये हम लोग लेके आए हैं रैबिट्स और रेड आइज हैं और बहुत ही प्यारे रैबिट्स हैं। ये आप देख लें, ये देखें हमारे बच्चे रैबिट्स के साथ कैसे खेल रहे हैं। रैबिट्स अभी माहौल के अंदर एडजस्ट हो रहे हैं, अभी हमने इनको इनका घर भी नहीं दिया और ये घर में आने से पहले ही बच्चों के साथ देखे कैसे घुल मिल गए हैं। फुरकान कितने खुश हो आप, वो देखो वो भी है मेरे घर। ये देखे गाय, देखे ये रैबिट है और एक ये रैबिट है, ये दोनों रैबिट बैठे हुए देख चेक करें। फुरकान भी हमारा रैबिट ही है। चलो खेल लो जाके, खेल लो जाके, पकड़ लो। नूर बाबा कुछ नहीं कहते, वो देखो क्या कर रहे हैं, बैठ जाओ नूरफा, मैं कुछ नहीं कहते, पकड़ लो उठा लो, कुछ भी नहीं कहते ये देखो। ये हम लोगों ने ले लिए हमें 3 केजीज के लिए 3 दरवाजे और आप लोगों को हम लोगों ने दिखा दिया था उनकी छत का भी सामान और इसके अलावा बाहर ये मट्टी भी आ गई हुई है और ये ईंटें भी आ गई हुई हैं। तो ऑलमोस्ट तकरीबन सारा ना ये कंप्लीट हो गया हुआ है सामान जो हमारे केजेस का है। बस कल सुबह से इनकी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करना है और फाइनली बहुत टाइम बाद, बहुत ज़्यादा खपने के बाद हमारे घर रैबिट्स भी आ गए हुए हैं। तो अब बच्चे इतने खुश हैं, बच्चे इंजॉय करी जा रहे हैं उनके साथ। काफ़ी दिन हो गए थे, डेली कह रहे थे भाई रैबिट्स नहीं आ रहे, रैबिट्स नहीं आ रहे। तो फाइनली हम लोगों ने रैबिट्स भी अपने पेट हाउस के अंदर ले आए हैं और इंशाल्लाह हम डेली बेस के ऊपर कोई ना कोई चीज़ अपने पेट हाउस के अंदर ऐड करते रहा करेंगे। तो हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आपको हमारी वीडियो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन जो हमारे केजेस के कंस्ट्रक्शन है वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे कि हम लोग अपने केजेस की कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं, कितना टोटली इसके ऊपर खर्चा है और क्या उसकी कॉस्ट है और क्या उसकी लुक आती है बाहर से। ठीक है, तो हमारे साथ रहिएगा अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।